नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। पैंसठ हजार पारा शिक्षकों के लिए आज अहम दिन है, सरकार बड़ी फैसला ले सकती है। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतमान को लेकर प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट सोमवार को उच्च स्तरीय कमेटी की समक्ष रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधान पर चर्चा होगी तथा राज्य में उसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव आदि शामिल होंगे। इसी सप्ताह नियमावली के ड्राफ्ट को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 14 नवंबर तक अस्थायीकरण व वेतमान की घोषणा नहीं होने पर राज्य स्थापना दिवस समारोह का विरोध करने का निर्णय लिया है। क्या खतरे में है झारखंड के DRDA कर्मचारियों की नौकरी? केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है ऐसा सुझाव। केंद्र सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल 2022 से सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बंद कर दिए जाएंगे। केंद्र ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी सूचना राज्य सरकार को भेजी है। राज्य में ग्रामीण विकास अभिकरणों में संविदा पर करीब 500 कर्मचारी कार्यरत हैं, हालांकि उनका कार्यकाल मार्च 2022 तक ही है। झारखंड टेट और दक्षता पास शिक्षकों के ग्रेड पे में होगा अंतर, आज होगा इस पर फैसला, जाने किसे कितना मिलेगा ग्रेड पे। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों का वेतमान तो समान मिलेगा, लेकिन ग्रेड पे में अलग अलग होंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5200 से 20200 का वेतमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20200 का वेतमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से पांचवी के टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 और छठी से आठवीं पास पारा शिक्षकों को 2800 ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंथन कर लिया है। वे सोमवार को विकास आयुक्त, वित्त विकास सचिव समेत विभाग के अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद इस प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सावधान, कहीं आप भी तो नहीं करते हैं गलती। इमर्सन रोड से पानी गर्म कर नहा रहे युवक की करंट से हो गई मौत। नहाने के दौरान इमर्सन रोड से प्रवाहित करंट की चपेट में आकर महेश राय नामक युवक की रविवार को दिन के 9:30 बजे मौत हो गई। महेश हिनू साकेत नगर स्थित रिश्तेदार के घर पर कोयम्बटूर से आए थे। बाद में परिजन शव को पोस्टमार्टम उपरांत उनके घर ग्राम लाल बहियार थाना मसलिया जिला दुमका लेकर चले गए, वहां सोमवार को अंतिम संस्कार होगा। तस्करी के खिलाफ जारी है पुलिस का अभियान, झारखंड के गुमला में 208 किलो गांजा हुआ बरामद। झारखंड के गुमला जिले में पालाकोट थाना क्षेत्र में रविवार शाम को राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पुलिस ने एक कार से 20 लाख रुपए मूल्य का 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया। गांजा तस्करी कर गुमला की ओर लाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चेकिंग के दौरान जैसे ही पुलिस ने एक बोलेरो वाहन को रोकने का प्रयास किया, वाहन चालक ने गाड़ी घुमाकर तेजी से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। झारखंड में माओवादियों का मिलिट्री दस्ता बड़ा कमजोर, 5 बड़े उग्रवादी जल्द कर सकते हैं सरेंडर। झारखंड पुलिस के समक्ष 5 बड़े माओवादी 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर कर सकते हैं। बीते कुछ महीने से भाकपा माओवादी संगठन छोड़ पुलिस के संपर्क में आए माओवादियों के विधिवत सरेंडर कराने की योजना पुलिस ने बनाई है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक एरिया कमांडर स्तर के माओवादी बैलून सरदार समेत 3 माओवादी 9 नवंबर को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं सप्ताहांत में पुलिस भाकपा माओवादी के बड़े कमांडर महाराज प्रमाणिक व उसे दस्ते से जुड़े माओवादी का सरेंडर करा सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, ट्वीट कर कही ये बात। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बाद छठ महापर्व का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ परिवार में खुशहाली और समृद्धि के साथ दीर्घायु की कामना के लिए महिला छठ मैया का व्रत करती है। झारखंड में भी छठ महापर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है।
सावधान, अब निवेश के नाम पर भी आपके साथ हो सकती है ठगी। गृह मंत्रालय ने किया झारखंड को सतर्क दिया सुझाव। आज के दौर में निवेश के तौर पर स्टॉक मार्केट बेहतर विकल्प के तौर पर उभरा है। ऐसे में साइबर ठग इसका भी फायदा उठाने को तैयार हैं। इसका खुलासा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की इंडियन साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर थ्रेट एनालिसिस यूनिट ने रिपोर्ट तैयार की है। स्टॉक मार्केट में निवेश कर अत्यधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर अपराधी लोगों को ठग सकते हैं। छठ पूजा के लिए जल लाने गई थी नदी, नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। जमशेदपुर के बारीगोड़ा रेलवे फाटक के पास के रहने वाली आनंदी साव की रविवार सुबह 9 बजे दो मुहानी नदी में डूबने से मौत हो गई। आनंदी साव की बारीगोड़ा में हार्डवेयर की दुकान है। उनके संबंधियों ने बताया कि इस साल छठ पर्व करने की मन्नत उन्होंने मांगी थी। वह छठ पूजा के लिए जल लाने पत्नी, बेटी और बेटे के साथ दो मुहानी गए थे। नदी में पानी लेने के बाद वह नहाने लगे। नहाने के क्रम में वह गहरे पानी में चले गए और उनका देहांत हो गया। नीति आयोग की बैठक आज दिल्ली में, झारखंड की इन मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। इस बैठक में झारखंड के विकास से जुड़े मामलों में मजबूती से उठाया जाएगा। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ कई विभाग के सचिव हिस्सा लेंगे। राज्य से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी और समाधान के उपायों पर विचार किया जाएगा। इससे डीबीसी बकाया के अलावा कोल रॉयल्टी, नमामी गंगे से जुड़े विषय, नक्सल प्रभावित जिलों के विषयों, प्रधानमंत्री आवास, ऊर्जा, रेलवे, राजस्व, जल संसाधन, खनिज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सिविल, एविएशन, गृह, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।